मुंबई शहर में दही हांडी उत्सव की आज धूम है और जगह जगह पर नुक्कड़ हो, चौक हो, मैदान हो, वहां पर इसी तरह से गोविंदा पथक अलग अलग घूमते हुए जो मटकी ऊपर लटकाई जाती है उसे फोड़ने की कोशिश करते हैं। कि दादर में हैं हम और ये एक गोविंदा पथक है जो कि मानव पिरामिड बना रहा है। एक, दो, तीन, चार और पांच, और देखिए किस फुर्ती से चढ़ रहे हैं गोविंदा मानव पिरामिड बनाते हुए ऊपर की तरफ। दरअसल इसकी महीनों वो इसका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर इस तरह से मटकी फोड़ते हैं। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये दादर के छबिलदास रोड पर गोविंदा पथक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, अनुशासित तरीके से, देखिए बिना किसी हिचकिचाहट के, और ये उन्होंने वहां पर पहुंच गया और एक गोविंदा ऊपर है, जैसे छोटा बालक है वो गोविंदा है और उसने मटकी को छू लिया है और पहले ही कोशिश में हम देख रहे हैं कि अरे मटकी फोड़ दी गई। सातवां, हालांकि सात मानो पिरामिड है लेकिन अरे देखिए इस तरह से भरभरा कर जब गिरते हैं मटकी फोड़ने के बाद तो ये नजारा होता है। चोट लगने का खतरा होता है लेकिन नीचे जो लोग होते हैं वो सभी ऊपर वालों को, जो ऊपर के गोविंदा हैं उनको संभाल लेते हैं। और खास बात है कि वो छोटा जो बालक होता है गोविंदा, उसको संभालना बहुत जरूरी होता है, उसे भी लोग एक तरह से लोक लेते हैं। और ये कवायद जो है कि मुंबई में महीनों करते हैं युवक, तो कम से कम 70 से 80 या 100 लोग भाग लेते हैं तब जाकर सात मानव पिरामिड बनाते हैं। तो बहुत ही सफलतापूर्वक इस गोविंदा पथक में देखिए छोटा बालक है जिसने कि ऊपर चढ़ा और इस मटकी को पहले ही कोशिश में उसने इसे फोड़ दिया। और यहाँ पर देखिए एक नज़र और दिखाऊँ, एक ऊँची बच्ची है जो कि गोविंदा बनी हुई है, कान्हा बनी हुई है और इस नज़ारे को पूरे देख रही है। बच्चा क्या नाम है तुम्हारा? तुम क्या ये कान्हा बन के क्या कर रही हो? हर साल आते हैं इस तरह उत्साह बढ़ाने के लिए, मेरे बच्ची के लिए, मैं कस्टमर के स्वरूप के हर साल आते हैं। देखिए क्या उत्साह है, उमंग है, जोश है और आज पूरे दिन में मुंबई भर में यही उत्साह, उमंग और जोश देखने को मिलेगा।